आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के वो कंटेस्टेंट जिनके कारण शो को सबसे ज्यादा टीआरपी भी मिली और टीआरपी देने के बाद भाई वो शो से बाहर भी चले गए। अब उनके कारण एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर बवाल मचा हुआ है क्योंकि वायरल खबरों का कहना है कि आसिम रियाज के 14 में वापसी करने जा रहे हैं। क्या सच में इस बात में सच्चाई है और अगर है तो आखिरकार किसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, रोहित शेट्टी या फिर आसिम रियाज? क्योंकि भाई जिस तरह से आसिम रियाज गए थे लगता तो नहीं है कि वो कभी भी शो में वापसी करेंगे। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो मेकर्स जो हैं वो टीआरपी के लिए इतने भूखे नजर आ रहे हैं कि वो आसिम को ज्यादा पैसों का लालच देकर के शो में वापस भी ला सकते हैं। सो क्या इन खबरों में जरा सी भी सच्चाई है और आसिम शो में वापसी करने जा रहे हैं? लेट मी टेल यू थ्रू टुडे स्पेशल सेगमेंट अबाउट खतरों के खिलाड़ी सीजन 14। हाय हेलो सिमरन दिस साइड और यहां पर मैं बात करने वाली हूं खतरों के खिलाड़ी के इस बार के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल खिलाड़ी के बारे में जो कि हैं आसिम रियाज, जो कि थे आसिम रियाज क्योंकि अब वो शो का हिस्सा नहीं है। पहले ही हफ्ते आसिम रियाज जो हैं वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 से बाहर हो गए और कारण जो था एक तरह से हमें समझ में ही नहीं आया कि भाई आखिरकार ये हुआ क्या। रोहित शेट्टी के कारण इतना बड़ा बवाल हमें शो में देखने को मिला। रोहित शेट्टी के साथ साथ आसिम रियाज और उनमें अभिषेक कुमार और साथ ही साथ शालीन भनोट की भी उतनी ही भूमिका इस लड़ाई में हम सबको नजर आई थी। अगर हम बात करें खास तौर पर इस झगड़े की तो एक सिंपल से टास्क से ये झगड़ा जो है वो शुरू हुआ जहाँ पर ये देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं आसिम रियाज जो हैं वो अपनी बात समझाना चाह रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। फिर जो हमारे रोहित शेट्टी हैं उनको उन बातों के बीच में आना पड़ा। रोहित शेट्टी उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आसिम वहाँ पर कहीं ना कहीं अपना एटीट्यूड शो करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी ही नेटिजन्स बातें करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर नजर आए हैं। तो भाई उसका नतीजा जो है हमें क्या देखने को मिला, रोहित ने कुछ ऐसी बातें कही आसिम से कि भाई तू चुप हो जा नहीं तो यहीं पर उठा करके पटक दूंगा। और ये जो पूरा का पूरा झगड़ा है उसमें आसिम रियाज इतना ज्यादा पोक हो चुके थे, इतना ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो मेकर्स के सामने, रोहित शेट्टी के सामने कंटेस्टेंट्स को बोल दी, जहां पर उन्होंने ना सिर्फ कंटेस्टेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 6 महीने में 4-4 गाड़ियां बदल देता हूं, इन सबकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। इस तरह की वर्डिंग आसिम रियाज जो है वो यूज करते हुए दिखाई दिए। वहीं पर अभिषेक कुमार और शालीन भनोट के साथ उनका जो झगड़ा हो गया था वो भी काफी ज्यादा हाइलाइटेड रहा। नतीजा ये देखने को मिला कि वो पहले ही हफ्ते शो से बाहर हो गए। लेकिन अब एक बार फिर से आसिम रियाज का नाम खबरों में आ रहा है कि भाई के 14 में उनकी वापसी होने जा रही है। देखिए इन खबरों पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जितना बड़ा ड्रामा क्रिएट हुआ था उनके कारण शो के ऊपर उसके बाद ही लगता है कि भाई रोहित शेट्टी जो है वो उनको अपने शो में वापस ले आएंगे। लेकिन इनमें सच हो भी सकता है क्योंकि अभी की अगर हम शो की टीआरपी को देखें बिल्कुल ही नीचे गिरी हुई है यार। मतलब अगर हम देखें कि जब आसिम रियाज आए थे तो टीआरपी लेवल काफी ज्यादा अप था, जब उनका ये झगड़ा हुआ टीआरपी और ज्यादा ऊपर चली गई, लेकिन जैसे ही वो शो से बाहर निकले टीआरपी बिल्कुल डाउन चली गई। सो यहाँ पर आसिम की बात के ऊपर ना यकीन करना बनता है जो वो कह रहे थे ना कि ब्रो ये जो शो की हाइप है ना वो मेरे कारण है। तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई यहाँ पर बयान होती हुई नजर आ रही है क्योंकि जब से वो गए हैं तब से भाई खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 को कोई पूछ भी नहीं रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आसिम के बाद जो है शिल्पा शिंदे और कृष्णा श्रॉफ भी टास्क के कारण जो है टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो दोनों वो भी शो से बाहर हो गए थे। तो अब ये खबर है कि आसिम रियाज के साथ साथ शिल्पा शिंदे और कृष्णा श्रॉफ भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू शो में वापसी करने वाले हैं। आसिम को लेकर के जो खबरें हैं उनके ऊपर अभी जो है वो मोहर नहीं लगी है कि ये सच है, लेकिन शिल्पा शिंदे एंड कृष्णा श्रॉफ वापस आएंगे दिस इज वेरी वेरी ट्रू क्योंकि जो नया प्रोमो आया है कलर्स के इंस्टाग्राम के ऊपर उसमें हमें देखने को मिल गया है कि भाई ये दोनों वापस आ रहे हैं। वहीं एक और बड़ा नाम है जो कि है ईशा मालविया, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई ये वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आएंगे और अगर ईशा आती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बवाल फिर भी होगा क्योंकि अभिषेक कुमार शो का हिस्सा है। ईशा और अभिषेक जो है एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हैं और BB17 में जब ये दोनों नजर आए थे बवाल वहां पर भी हुए थे और अब ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस वाली स्ट्रेटजी ही यहां पर के मेकर्स जो हैं वो अपनाते हुए दिखाई देंगे क्योंकि ईशा और अभिषेक अगर एक साथ आ जाते हैं या फिर आसिम एक बार फिर से शो में आ जाते हैं तो बहुत बड़े झगड़े हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, आपने कहीं नहीं जाना है। फिलहाल आपने एक काम करना है, मुझे कॉमेंट करके बताइए कि जो आसिम का ये जो झगड़ा हुआ था उसमें आपको किसकी गलती लगती है, क्या यहां पर आसिम रियाज गलत है या फिर रोहित शेट्टी? What are your thoughts about it? Let us know in the comments.